अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले मटन खिचड़ा अफरोज की स्टाइल में, आ जाओ देखो। दो किलो मटन में हमें कितने मसाले लगेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये एक किलो मिक्स दाल है। ये मिक्स दाल में हमें क्या क्या लेना है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, ये सब मिक्स दाल है। इन सब दाल को 6 से 7 घंटा हमें भिगो के रखना है। ये सब भी पूरा एक किलो है। पाव किलो चौले लियू, पाव किलो घेव लियू, पाव किलो जौ लियू, ये सब पाव पाव किलो है इसके अंदर। ये भी मैंने 6 से 7 घंटा भिगो के रखी थी। इन सब को हम कुकर में डाल के गला के लेंगे। सबसे पहले हम दाल गलाएंगे। दाल गलने के बाद में हम ये चौले ये सब गलाएंगे। पहले हम दाल अच्छे से गला लेंगे। दाल गल जाने के बाद में हम चौले, जौ, घेव ये सब हम अलग, फिर वो ऑफिस से हम गलाएंगे। 150 ग्राम हम चावल भी डालेंगे। चावल हमें जब बॉईल करने रखेंगे तभी डालना है। पानी आपको अपने अंदाज से डालना है, जैसे कि दाल अच्छे से गल जाए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे अपने हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लेना और सीटी लगाएंगे हम। कम से कम 4 सीटी हम लेंगे। दाल अच्छे से गल चुकी है। अब हम चौलई और घेव और जौ ये सब भी गला के ले लेंगे। पानी आप अपने अंदाज से लीजिए और नमक अपने हिसाब से डालेंगे। हल्दी डालेंगे। हल्दी आप अपने अंदाज से डालना, क्योंकि हमने पहले मसाले में भी सब हल्दी यूज करेंगे, तो इसके लिए कम कम हल्दी यूज करना। इसमें हम 6 से 7 सीटी लेंगे। जब तक का हमारा चौलई, जौ और घेऊ जब तक का पक रहे, गल रहे, जब तक का हम गोश्त का मसाला तैयार करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल आपको अपने अंदाज से लेना है। मैंने 1/2 किलो तेल ली हूँ। ये 1/2 किलो प्याज है, बारीक कटिंग करके लेना है। फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर करना है हमें। कांदा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और मैंने ब्रिस्ते के लिए, जो ऊपर से डालने के लिए, वो कांदा मैंने अलग से पहले 1/2 किलो गोल्डन ब्राउन करके ली थी। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। गोल डालेंगे। गोल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1/2 किलो मैंने टमाटर ली हूँ, बारीक कटिंग करके ये भी मिक्स करना है। ये सारे अच्छे गरम मसाले ये भी हम इसमें ही डालेंगे। ये चम्मच से मैंने 5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से लीजिए, जितना तीखा चाहिए उतना। ये चम्मच से मैंने 6 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ। ये चम्मच से 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ली हूँ। हल्दी पाउडर आप देख के डालिए। ये चम्मच से मैंने 3 चम्मच गरम मसाला पाउडर ली हूँ। गरम मसाला पाउडर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नमक अपने हिसाब से। ये 1/2 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट अपने अंदाज से डालिए, कम या ज्यादा। मगर मैं ये 2 किलो गोश्त का मसाला बता रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त गला लेंगे और मसाला भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से एकदम 1/2 घंटे तक हम गोश्त गला लेंगे, जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। ये हरी मिर्च का पेस्ट है। हरी मिर्च का पेस्ट भी डालेंगे। अगर आपको तीखा चाहिए तो ही डालना, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं।
हम लोग थोड़ा तीखा खाते करके मैं डाल रही हूँ। ये हरा धनिया और पुदीना है, ये भी हम डालेंगे। चौलाई, घेव और जौ ये सब भी गल चुका है, तो वही दाल के टोप में हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें डालने के लिए गर्म पानी यूज करना है, मैं गर्म पानी यूज कर रही हूँ, तो उससे हमारा जल्दी घोटे जाएगा। मसाला अच्छे से भून चुके हैं और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हम ये सब गोश्त उसमें मिक्स करेंगे खिचड़े में। ये सब दाल, जौ, ये सब मैंने अच्छे से घोट के लिए हुए। देखो एकदम अच्छे से आपको घोटना है। आपके पास अगर दाल घोटनी है तो दाल घोटनी से घोट सकते हैं, आपके पास अगर ग्राइंडर है तो ग्राइंडर से भी आप घोट सकते हैं, या नहीं तो मिक्सर में भी आप लगा सकते हैं। एकदम अच्छे से घोटना है, एकदम ज्यादा नहीं घोटना है। देखो जैसे मैंने घोटी वैसे ही घोटो, ये देखिए ऐसे। अभी हम इसमें सब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम। और फिर ऑफिस एक बार हम पकने के लिए रखेंगे। जब तक पकाएंगे जब तक इसको अच्छे से जोश नहीं आ जाता। और पानी आपको अपने हिसाब से डालना है, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। खिचड़ा हमारा एकदम रेडी हो चुका है, अच्छे से जोश आ चुका है। और ये देखो मैंने ज्यादा पतला नहीं किया, इसी तरह से रखना है आपको, फिर गिरे भी। और ये सोल्ट पाउडर है, ये सोल्ट पाउडर है, ये ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया और पुदीना डालेंगे ऊपर से। ये बिरिस्ता मैंने तैयार करके रखी थी, वो भी डालेंगे। हमारा खिचड़ा रेडी हो चुका है, हमारा खिचड़ा रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ और दुआ में याद रखना, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आ जाओ खाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।